खजुराहो रेलवे दैनिक भोगी वेतन के सफाई कर्मचारियों ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल, सैलरी बढ़ाने की उठाई मांग, सफाई काम किया ठप, सुपरवाइजर और पेटी ठेकेदार पर वेतन काटने के लगे आरोप। क्यों हड़ताल की यहाँ खजुराहो रेलवे? इसलिए हड़ताल करी, हम लोग की तनख्वाह नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही? वो कह रहा है कि कहा इतनी में करना हो आपको तो करो, नहीं करना तो नहीं करो। कितना कितने के? 5,000। पहले कितना मिलता? 5,000 देते शुरू से। पहले 5,000, अभी 5,000? अभी 5,000। क्यों बरोड है? अब हम लोग इसलिए हम लोग तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, तनख्वाह बढ़ाओ हमारी। तो पहले कितने तनख्वाह बता रहे कि 11,000 रुपये आती? हाँ, पहले तनख्वाह 11,000 थी हम लोगों की, अकाउंट में आती थी। हम लोग को जब ATM किताब वापस कर दिया जाए तब तब तनख्वाह कम। ATM किसके पास था? राम कुमार के पास। राम कुमार? हाँ, राम कुमार के पास। तो वो आपको सैलरी देता था? हाँ, हाथ से देता था। खातों में नहीं आता? हाँ, खाते में। अभी सैलरी? अभी खाते में आती है। तो 5,000? 5,000 आती है। ठेकेदार का नाम क्या है? दीपक। कहाँ के हैं? जी ललितपुर के हैं। ललितपुर? तो आपकी क्या मांग है, कितनी चाहिए? हम लोग की मांग है, हम लोग तो 8,000 तनख्वाह दीजिए। 8,000? नहीं तो काम नहीं करोगे? नहीं, हम काम नहीं करेंगे। और धमकी भी दे रहा है हमको, क्या तनख्वाह ड्यूटी नहीं करोगी तो कल से ड्यूटी पे नहीं आना। कौन दे रहा धमकी? दीपक। दीपक और राम कुमार दोनों। दीपक कहाँ के हैं? जे ललितपुर के। दोनों यहाँ हैं क्या? हाँ, हैंगे। फोन से धमकी देते हैं कि सामने? सामने। और राम कुमार फोन पर धमकी देता। क्या कह रहे हैं? राम कुमार कह रहा था कल से तुम लोग काम अलग अलग ढूंढ लेना, यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। दीपक, क्या ये रेलवे स्टेशन में हड़ताल है आज से 2-3 दिन से? हाँ। क्या कारण है, क्यों है ये? कारण ये है, ये लोग बोल रहे हैं ऐसे पेमेंट बढ़ाई जाए हमारी। पेमेंट बढ़ाने की बात की है ठेकेदार से। उन लोगों का कहना है कि 5,000 रुपये में आजकल घर का खर्चा नहीं चल रहा, तो आप पहले 11,000 रुपये देते थे, अब 5,000 रुपये आधा हो गया, उससे भी आधा हो गए। क्या कारण है इसमें? पुराना सुपरवाइजर था जो, अब वो तबीयत उसकी ख़राब है, वो आएगा, वो बताएगा क्या बात है। जो हमें तो 2-3 दिन हुए हैं आने को, नए हैं हम, अब वो आ रहे हैं, जो आएगा सुपरवाइजर वो बात करेंगे हम उससे क्या है। ठेकेदार से भी हमने बात की है इन लोगों की पेमेंट बढ़ाने की, पेमेंट बढ़ेगा इन लोगों का, उसने ये कहा है। और जो लड़के काम कर रहे हैं अभी, नए लड़के लगाने की भी बोला है उसने, नए लड़के लगाएंगे तो जो भी है। अब ये लोग बोलते हैं सुपरवाइजर से मतलब मारने की या लड़के मारने की धमकी देते हैं, हम जो लगाओगे आप तो उसको मारेंगे। इनको आप अभी तक कितना सैलरी देते थे? अभी तक तो उनको वो ही मिलती थी, लड़कों को 5,500 थे। अभी ठेकेदार ने कुछ बढ़ाने की वो की? हाँ, उसने कहा है 1,000 रुपये बढ़ाने की बोला गया। इन लोगों का कहना है कि कम से कम हमें 9-10,000 रुपये चाहिए। तो इसकी हम लोग बात करेंगे, जो भी है उसकी बात करेंगे, हम ठेकेदार से ही बात करेंगे, फिर इन लोगों को बुलाएंगे, इनसे बात करेंगे, बैठ के समझौता होगा।